आपने SC ST एक्ट के डाइल्यूशन को बचा लिया, उसके खिलाफ खड़े होकर कठिन पॉइंट पोस्टर पर भी मैं यकीन दिलाता हूं अगर ये ऑर्डिनेंस 24 घंटे के अंदर नहीं लाएंगे तो सड़क पे इतना कोहराम मचेगा जो तय कर देगी कि संसद में अगली बार कौन बैठेगा। एक चीज ये तस्वीर रोहित वेमुला की है, इसे मत भूलिएगा, कहानी वहीं से शुरू होती है। रोहित ने अपने पहले और आखिरी खत में एक बात कही थी, मेरा जीवन एक घातक दुर्घटना है, इसे मत कभी भूलिएगा, क्योंकि इस हुकूमत ने उसके सवालों पे गौर नहीं किया, उसकी जाति पता करने के लिए आयोग बिठा दिया। ये वैसे अभी अली अनवर साहब को सुन रहा था, पुलवामा में आप में से किसी ने भाई खोया है? भाई आपने बेटा खोया है? आपके बीच से कोई बच्चा अपना पिता खो बैठा है? एक शहीद की मां पूछ रही है कि मेरे बच्चे का शव तिरंगे में लिपटा हुआ है। एक शहीद की वाइफ पत्नी कह रही है मेरे पति का शव तिरंगे में लिपटा हुआ है। हमने वहां का तो कुछ नहीं देखा, आंकड़े किसको पता है? अमित शाह जी को। अमित शाह जी को अगर आंकड़े पता है, एयरफोर्स को आंकड़े नहीं पता है, तो आप समझ लीजिए कि आपकी सुरक्षा के साथ ये सौदेबाजी करने वाले लोग हैं, ये बनिया भी नहीं कर रहे हैं। बस एक आखिरी टिप्पणी, हम में से अधिकांश लोग एक दूसरे से राजनीतिक रूप से विरोध में हैं। यहां सब मेरे दल के नहीं है, मैं बाकियों से बहुत मुद्दों पर अलग राय रखता हूं, लेकिन सामाजिक न्याय के मुद्दों पर अगर हमने अलग राय रखी तो संविधान का हरफ हरफ ये बिछा के रख देंगे, इसमें सबको साथ आना होगा, अपने मतभेद दरकिनार करने होंगे, नहीं तो कल्पना से रोम रोम सिहर जाता है कि अगर ये व्यक्ति और इसकी टीम वापस आ गई ना तो बाबा साहब के संविधान का एक पन्ना नहीं बचेगा, एक पन्ना नहीं बचेगा। पूरा संविधान बचाइए, रोस्टर की लड़ाई भी, आदिवासी हकों की बात, अरे आदिवासी कब थे जब आपकी सरहद नहीं बनी थी ये मुल्क नहीं बना था, आपके मुल्क का नक्शा नहीं बना था, सिर्फ नदियां पर्वत और जंगल थे। उन लोगों से आप दस्तावेज मांग रहे हो, कैसे लोग हो, कैसे समझ है और क्यों चाहिए उनकी जमीन हम नहीं जानते हैं क्या? हम खूब जानते हैं कि जिस आदमी को कागज पे हवाई जहाज बनाने का कभी शऊर नहीं था उसको तुमने रफाल सौंप दिया पूरी। आप आदिवासियों के जमीन को सौदेबाजी करना चाहते हो, आप उनके दोस्त हो। ये जो देशभक्ति का नाटक करते हो ना वो आवाम समझ चुकी है, देशभक्त आप हैं, आप आदिवासी भाइयों बहनों के लिए खड़े हैं, आप रोहित वेमुला के लिए खड़े हैं, आप सामाजिक न्याय के लिए खड़े हैं। थैंक यू सो मच, शुक्रिया, फिर से जय भीम, लाल सलाम, जय भारत।